बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मैं सोविंदर चिकारा जो श्री रामचरित मानस पढ़ रहा हूं और आपके लिए YouTube पर लेकर आ रहा। तो अभी उत्तरकांड का पाठ चल रहा है और भरत जी पूछते हैं श्री रामचंद्र जी से कि हे भाई, हे भ्राता, हे राजा, कराऊं कृपा निधि एक ठिडाई। मैं हे कृपा निधान आपसे दृष्टता करता हूं कि मैं सेवक हूं और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। संतन की महिमा रघुराई, बहु विधि भेद पुराणन गाई। संतन की जो संत होते हैं उनकी महिमा आप मुझे बता दो, संत क्या है और संत इतने सर्वोपरि क्यों होते हैं, उनका पूरा विधान और क्या कैसे करते हैं वो सब मुझसे कहो। श्री मुख तुम पुनि की नहीं बढ़ाई, तिन प्रभुति प्रीति अधिकाई। सुना चहु प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विवच्छन। आपने भी अपने श्री मुख से उनकी बढ़ाई की है। संतों की बढ़ाई जब आपने भी की है तो हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ, मैं उनके कर्म सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुणों की खान हैं तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं, इसलिए आप मुझे संतों के बारे में बताइए। अब श्री राम जी भरत जी से कहते हैं, समदम नियत नियुति नहीं डोलहीं, पर उस वचन कबहू नहीं बोलहीं। हे भाई, हे तात, ये लक्षण जिसके हृदय में बसते हो, जो किसी को बुरा ना चाहता हो, जो किसी को बुरा कहता ना हो, जो हमेशा अपनी नजर में सबको एक समान मानता हो, वही सच्चा संत है। जो सम दम नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते हैं, वही संत हैं। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जहज कहूं निंदा सुने पराई, हर से मनुहु परी निधि पाई। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है, वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहां कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं, वहां ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि उन्हें खजाना मिल गया हो। वो संत नहीं हो सकते हैं। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। बोले मधुर वचन जिमी मोरा, खाई महा अही हृदय कठोरा। उनका जिनके झूठे ही लेने और झूठे ही देने में शुभ होता है, झूठा ही भोजन उन्हें करना होता है, दूसरों को भी झूठा ही देते हैं। वे लेन देन के व्यवहार में ही झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मारते हैं, वो संत कभी नहीं हो सकते। लोभ ही ओढ़न लोभ ही डासन, निस्रो दर पर जम पुरुत्रास। लोभ ही उनका ओढ़ना है और लोभ ही बिछोना है जिनका, वो कभी संत नहीं हो सकते हैं। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आपु गए अरु घालहि आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते, आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं। खुद तो वे नष्ट रहते हैं, दूसरों को भी नष्ट करने में लगे रहते हैं। महावेश दूसरों से द्रोह करते हैं, हमेशा दूसरों से द्रोह करते हैं। न संतों का संग उन्हें अच्छा लगता है, न भगवान की कथा उन्हें अच्छी लगती है। ऐसे जो लोग होते हैं वे कभी संत नहीं हो सकते। श्री मुख वचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। भगवान किसी मुख से ये वचन सुनकर सभी भाई हर्षित हो जाते हैं और उनके हृदय में प्रेम की करुणा दौड़ पड़ती है, वे हृदय में प्रेम बढ़ जाता है। कहीं विनय अति बार ही बारा, हनुमान ही है हरस अपारा। वे बार बार श्री राम प्रभु श्री राम की बढ़ाई करते हैं और विशेषकर हनुमान जी के हृदय में हबार हर्ष हो जाता है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, सुबह तदंतर फिर श्री रामचंद्र जी अपने महल में जो मंदिर है उसमें गए और वहां पर लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं।
सनकादिक नारद हिसा रही जदपि ब्राह्मण निरत मुनि आही सुनी गुण गान समाधि बिसारी सादर सुनई परम अधिकारी। सनकादिक मुनि नारद जी की सराहना करते हैं, यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए गुरु द्विज पूर्ववासी सब आए। एक बार श्री राम जी ने सभी अयोध्या वासी बुलाए और गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य सभी नगरवासी वहां पर आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री रामचंद्र जी वचन बोलते हैं और क्या बोलते हैं, सुनहु सकल पुर जन मन मानी कहु न कछु ममता उर आनहिं नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। हे समस्त नगरवासियों मेरी बात सुनिए, यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, अनीति की बात नहीं कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है, इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात को सुनो, यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करना। क्या कहते हैं, सोई सेवक प्रथम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा सेवक होगा, वही मेरा सच्चा सेवक होगा और वही मेरा प्रियतम होगा जो मेरी आज्ञा मानेगा। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भूलकर मुझे रोक देना। बड़े भाग्य मनुष्य तनु पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा साधन धाम मोच कर द्वारा पाई न जेही परलोक समारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिलता है, सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, उन्हें भी नहीं मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है, इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया वह बेकार है, व्यर्थ है। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है, इस जगत के भोगों की बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगाते हैं वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। और क्या कहते हैं, ताहि कबहु फल कहि न कोई गूंजा ग्रहि परस मनि खोई। जो पारस मणि को खोकर बदले में घंगुची ले लेता है उसको कभी कोई फल नहीं मिलता है, वो बुद्धिमान नहीं है। आकर चारी लक्ष्य चौरासी यह अविनाशी जीव जो मनुष्य शरीर है चार खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता है, फिरत सदा माया कर प्रेरा। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ यह सदा भटकता ही रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले पर ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नरतनु भव बारिदि कहु बेरो सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो करनाधर सद्गुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। यह मनुष्य का शरीर भव सागर के लिए बेड़ा है, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है, सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार इस प्रकार दुर्लभ और साधन सुलभ हो जाते हैं उसे प्राप्त करते हैं वही इस भव सागर से निकल सकते हैं। और क्या कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चहूं सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहूं सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भगति मोरी पुराण स्मृति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें दृढ़ता से अपने हृदय में पकड़कर गांठ मार लो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है, पुराणों और वेदों ने भी इसे गाया है। क्या कहते हैं, ज्ञान अगम प्रत्युवने का साधन कठिन न मन कहु टेका करत कष्ट बहु पावे ही को भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो।
कि ज्ञान अगम और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है, उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं लगता है। भक्ति हमेशा हर इंसान के अंदर चाहिए। सबसे पहला पहला फिर क्या कहते हैं, भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे ही प्राणी। कि भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, लेकिन बिना संतों के संग के, बिना सत्संग के, बिना भक्ति के प्राणी इसे नहीं पा सकता है। और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही सुश्रुति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मण के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करते हैं उस पर मुनि और देवता हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पा सकता है। और क्या कहते हैं, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे ही मोरी। कि शंकर जी के भक्ति के बिना मेरी भक्ति कोई नहीं पा सकता है। कहूं भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कटु लाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहा तो कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है, इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और उपवास की आवश्यकता है। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में संतोष रखो। बस यही भक्ति मार्ग है और यही भक्ति मार्ग हमें चलाना है, इसी से हमें चलना है और इसी पर हमें कार्य करना है। और क्या कहते हैं, मोर दास कहई नर आशा, मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। बहुत कहूं की कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई। बहुत बढ़ाकर क्या कहूं है भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूं और यही आचरण मैं हमेशा सदा करता हूं। और कहते हैं कि प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विशेष स्वर्ग अपवर्गा, भक्ति पच्छन हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। संत जनों के सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक तरण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करते हैं पर वे दूसरों के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करते, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है वही मेरी प्रीति पा सकता है। सुनत सुधासन बचन राम के, गहे सबनी पद कृपा धाम के, जननी जनक गुर बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण दे प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे कृपा निधान, हे प्रभु, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इसलिए हम आपका अनुसरण जरूर करेंगे और आपकी भक्ति जरूर पाएंगे। तनु धुनु तनु धनु धाम राम हितकारी, सुनो ध्यान से, तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणत रीति हारी, असी सिख तुम बिनु देहु न काऊ, मातु पिता स्वारथ रथ आऊ। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, प्रभु जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं, ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त और कोई नहीं दे सकता है। माता पिता हितेशी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते हैं। बोलो श्यावल रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों के, नगर वासियों के
वचन सुनकर बहुत खुश होते हैं और क्या कहते हैं, सबके वचन प्रेम रस साने, सुनी रघुनाथ हृदय हर साने, निज निज ग्रह गए आयसु पाई, वर्णत प्रभु पत कही सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए और फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु का सुंदर बातचीत उनका वर्णन करते हैं और करते हुए अपने अपने घर को चले जाते हैं।